अभी रिसेंटली ही क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड का रिजल्ट आया। मान लीजिए एक्स और वाई नाम के दो स्टूडेंट हैं, जिनको आपको पता है पासिंग परसेंटेज 33% होता है किसी भी सब्जेक्ट का। एक्स को एक पेपर में 25 नंबर आया, वाई को एक पेपर में 23 नंबर आया, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि शायद रीवैल्यूएशन से 2 से 3 नंबर बढ़ जाए। पर स्टूडेंट्स ऐसा जरूरी नहीं है। आप पहला स्टेप रीवैल्यूएशन का जब ऑप्टिमाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको 500 रुपए की फीस भरनी पड़ती है जो सिर्फ आपके रीटोटलिंग करता है। रीटोटलिंग में हो सकता है टीचर्स ने बहुत ही लीनियंट मार्किंग की हो, तब जाके ये नंबर मिले हो, क्योंकि जनरली सीबीएसई बोर्ड लीनियंट मार्किंग करता है, तो जरूरी नहीं आपके नंबर पड़ जाए। सेकंड स्टेप में आप 500 रुपए देके अपने पेपर की फोटोकॉपी मंगा सकते हो कि आपने क्या क्या आंसर दिया है, जो कि एक बेस्ट तरीका है। आप अपने टीचर्स के साथ बैठिए और इवैल्यूएट करें कि आपके नंबर बढ़ने के स्कोप है कि नहीं, तभी जाके आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर लगता है स्कोप है तो आप जरूर अप्लाई करिए थर्ड स्टेप के लिए, विच इज हर एक क्वेश्चन की पर्टिकुलर चेकिंग, जो 100 रुपए पर क्वेश्चन आपको देना होगा। आपके नंबर बढ़ेंगे लगता है तो ही इसके लिए अप्लाई करिए, वरना नहीं।